नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सुराना है। मैं आपका जुगड़ जी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आपके दो शब्द आशीर्वाद के चाहिए। मैं लगभग एक साल से कान सुनने में प्रॉब्लम में हूं। मैंने मशीनें लगाई थी, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहां के बारे में मैंने सुना, आया हूं, आज ट्रीटमेंट कराया है। मेरे को लगता है मैं काफ़ी ठीक लग रहा हूँ, शायद मशीन में नहीं लगानी पड़े। मैं बहुत आभारी हूँ आपने डॉक्टर साहब, और आई होप, क्योंकि एक साल से जो डिटोरिएट होती जा रही थी, कान की सुनाई डिटोरिएट हो रही थी, अब लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू सर। सर, मुझे आपका आभार मानना है, थैंक यू वेरी मच, कि आपने इसको पॉजिटिव लिया। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट को इतना पॉजिटिव लेना है बड़ा कठिन काम है। बड़े लोग बड़े ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी, बड़े ट्रीटमेंट करवाते हैं। इस नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने कोऑपरेशन, सर्जरी कुछ भी नहीं की, कान में डालने की दवाई और खाने की दवाई से आपको ठीक किया है। सर, आप समझ लीजिए ना, बहुत बढ़िया से, धीरे से, जोर से अभी भी सुन सकते हैं। आपने कहा कि आपने जापान से मशीन मंगाई, और फिर कहाँ से मंगाई दूसरी? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से, वो शायद लाखों रुपए की कोस्ट की मशीनें होगी, और उससे भी आपको सुनने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी आप बिना मशीन के आराम से सुन सकते हैं, धीरे से भी सुन सकते हैं। सर, आपसे एक प्रार्थना है कि जब भी आप दुनिया में कहीं भी जाएं, इस बहरेपन के कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए मेरी सहायता करिएगा। एक महान उद्योगपति है आप, और समाज सेवक है, दुनिया में आपका नाम है, आपने अनेक संस्थाएं चलाई है, चला रहे हैं, उद्योग भी करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे काम के लिए हॉस्पिटल भी चलाते हैं, दातव्य हॉस्पिटल चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, आपके मंदिर चलाते हैं। आप समाज के अंदर हमारी जो से कह सके समाज रत्न कह सकता हूँ, देश रत्न कह सकता हूँ आपको। बहरापन की बात नहीं है, बहरापन तो सर बुढ़ापे के साथ में आ सकता है किसी को, पर इसको सरलता से ठीक करना, एजिंग प्रोसेस को भी ठीक करना, ये हमारी कला है सर। धन्यवाद, खूब खूब आभार डुगड़ साहब के, सृजन जी डुगड़, मैं आपका हृदय से आभार मान रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश होगा, मैं खुद तो ठीक हूँ ही, लेकिन आपके कारण लोग दूसरे इंस्पायर हूँ। सोशल वर्क के हिसाब से लोगों को मदद मिले, खास करके यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं, बिल्कुल, जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। सर, आप डेफिनेटली स्कूल में जरूर एडॉप्ट करिए उन लोगों को। मैं आपकी सेवा करूंगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। हम बच्चों को ठीक करने के लिए आप बताएंगे ना, प्रवीण जी इतना काम करो, सब करेंगे। हमारे ट्रस्ट से हम हॉस्पिटल चलाते हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी चलाते हैं, इसके अलावा स्कूल भी अडॉप्ट करके, जिसमें करीब 2000 बच्चे हैं। अरे वाह, क्या बात है। उसमें सब लोअर मिडिल लोअर कैटेगरी के आदमी है। बहुत बढ़िया सर, जो दोनों तरह खाना भी अफोर्ड नहीं करते, इस तरह के बच्चे हैं, वहाँ इस तरह कैंप में उनको बुलाएंगे। जरूर, मेरे को आप जयपुर में जितना समय दें कहेंगे, जयपुर है, आप कहेंगे हांगकांग जाना है, सिंगापुर जाना है, या जहाँ जहाँ आपके सेंटर है, जरूर आएंगे सर, और ये बहरापन मिटाने का जो कठिन कार्य है उसको सरल बना दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बड़ा बड़ा सोशल वर्क है, और बिना बिना सर्जरी के, बिना मेडिसिन के, बिना मशीन काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू।